चलिए बच्चों, तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, इजी ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लर्निंग फैक्ट्स वाला बेस्ड है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं ये, इसमें से जल्दी से कवर हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़िए। अक्षर इंट्रोडक्शन। इन द यूनिवर्स 115 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे। Each of these elements possesses different properties. It is difficult to understand that the use use the properties of each element at a time. Hence attempts were made to discover ways to learn the properties of elements in a systematic order. हाँ भाई देखो, वैसे तो कह रहा है कि 120 एलिमेंट, 115 है, पुरानी खबर है ना, टिल नाउ 120 से दो ज्यादा यानी कि 122 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना सर। हाँ बेटा बोलो। आप इसके बाद लाइट चैप्टर करा दोगे? करा देंगे। चलिए 122 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं और आपके पास देखिए हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो क्या होता है सारे एलिमेंट को एक ऐसे अरेंजमेंट में बिठाला गया है जिससे कि उनको क्लासिफिकेशन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कभी आप किराने की दुकान में जाते हो तो आपने देखा होगा किराने की दुकान वाले ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सामान बोले, एक दरी बिछाई और ला करके बोल दे पलट दे, ट्रक वाले को बोल दिया पूरा सामान पलट दो, तो उसी में बॉर्नविटा घुसा हुआ, उसी में अपना साबुन लगे हुए, उसी में शैम्पू है। अब बोले भैया, ग्राहक कोई आया, बोले भाई साहब हमको चाय पत्ती चाहिए, तो उससे बोले एक काम करो दो घंटा रुको, वो घुसा दुकानदार, पूरा सामान इधर उधर किया और घुस करके निकाला, ये देखिए चाय पत्ती आपकी, तब तक वो चला जाएगा। तो ये कितना मुश्किल हो जाता अगर क्लासिफिकेशन ना करता। इसलिए किराने की दुकान में सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, पूरी चाय पत्तियां एक तरफ मिलती हैं, पूरे बिस्किट एक तरफ मिलते हैं, पूरे साबुन एक तरफ मिलते हैं। अच्छा, साबुन में भी क्लासिफिकेशन होता है, बर्तन धोने वाले साबुन अलग रहते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन अलग रहते हैं, है ना, नहाने वाले साबुन अलग रहते हैं, और नहाने वाले साबुन में भी क्लासिफिकेशन रहता है, गुलाब वाले अलग, चंदन वाले अलग, नींबू वाले अलग, है ना, अलग अलग फ्लेवर के साबुन अलग अलग तरीके से रखते हैं, नीम वाले अलग, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन क्या करता है, इनकी इनको समझना, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लगा पाना आसान करता है। तो इसी बच्चों, इसी क्लासिफिकेशन को करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग केमिस्ट ने अपने अपने रूल्स दिए, अपने अपने अलग अलग नियम बताए। तो सबसे पहला जो आता है, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था, वो डोबरनियर के पहले हुआ था, है ना, डोबरनियर के पहले डाल्टन के टाइम में हुआ था। उसने एलिमेंट को दो ग्रुप में रखा था, एक रखा था मेटल और एक रखा था नॉन मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, शुरुआत में केवल क्लासिफिकेशन में रखा था मेटल और नॉन मेटल में। उस समय केवल 9 एलिमेंट या 10 एलिमेंट खोजे गए थे, मतलब जो भी थे 10 से कम थे। तो कुछ को कर दिया मेटल और कुछ को कर दिया नॉन मेटल। मगर जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे नए नए एलिमेंट खोजे गए। डोबरनियर आते हैं 1829 में लगभग 30+ एलिमेंट खोजे जा चुके थे, लगभग 30+ एलिमेंट खोजे जा चुके थे। तो डोबरनियर जो है जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट के ग्रुप बनाए, मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, है ना, 30 एलिमेंट में कुछ नंबर के ग्रुप बनाए, टोटल कितने थे 30। और उन ग्रुप की मैं खास बात बताऊं कि हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, 1, 2, 3। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 30 एलिमेंट तब तक प्राप्त हो चुके थे, और आप एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को डाल रहे हो, तो अक्षर बताओ कितने ग्रुप बनाने थे आपको? 10, है ना। मगर 10 ग्रुप नहीं बनाए थे डोबरनियर ने, केवल 3 ही ग्रुप बनाए थे, और 3 ग्रुप बना करके अपना लॉ दे दिया, कह दिया कि भैया केमिस्ट्री के एलिमेंट जो होते हैं वो 3-3 के ग्रुप में पाए जाते हैं, और वो ग्रुप ऐसा होता है कि जो बीच वाले का मास होता है वो ऊपर वाले नीचे वाले के मास का एवरेज होता है, मतलब बीच वाला का जो मास होता है वो ऊपर और नीचे वाले के मास का आधा होता है। समझ में आया? हेलो। डोबरनियर ने कहा, डोबरनियर ने ये 3-3 ग्रुप के, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। इन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिकड़ी। क्या बोलते हैं? तिकड़ी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड। आपने देखा होगा स्कूल में तो बहुत कॉमन होता है, है ना, स्कूल में बहुत कॉमन हुआ करता है
कि गर्ल्स में मैंने देखा अक्सर ये बहुत कॉमन है ना, तीन लड़कियां हुआ करती हैं, तीन लड़कियां गर्ल्स में, ठीक ना। तो वो तीन लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा लंच के टाइम में कोई तीन लड़कियां ग्रुप में बना ग्रुप में चला करती हैं, और उनके चलने का एक स्पेशल तरीका होता है। इस वाली का हाथ इसके हाथ में रहेगा और इस वाली का ये वाला हाथ इसके हाथ में रहेगा, मतलब ये बीच वाली के दोनों हाथ बिजी रहते हैं। ये सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करती इन दोनों की। तो ये तीन लड़कियां तीन के ग्रुप में मैंने अक्सर, चार के ग्रुप में मैंने नहीं देखा, इसलिए तीन का ग्रुप में याद आता है। तो ये जो व्यवस्था होती है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रायड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायड, है ना। तो ये ट्रायड कहते हैं इस व्यवस्था को। तो इस डोबरनियर ने कहा कि जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रायड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन के ग्रुप में होते हैं, और तीन के ग्रुप में ऐसा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो मास होगा वो इसके और इसके सम का आधा होगा। समझ में आया? नहीं आया? बीच वाले का जो मास, जैसे ये 20 है, सुनो, जैसे ये 20 है, ये कितना है? 60 है, बोलो। यस यस सर। तो ये 40 होगा। अब देखो कैसे सपोर्ट कर रहा है, 60 और 20 को ऐड करो, 60 प्लस 20 कितना हुआ? 80 हुआ। यस सर। अपॉन 2 कर दो तो 80 बाई 2 कितना हो गया? 40 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आजू बाजू वालों के सम का आधा हो, आधा मतलब एवरेज, आधा मतलब एवरेज। तो ये था डोबरनियर ट्रेड। तो डोबरनियर ने 30 एलिमेंट के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ट्रेड पाए जाते हैं एलिमेंट में, ये ट्रेड फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें सेंट्रल वाले का मास आजू बाजू वाले का एवरेज होता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो डोबरनियर इन ट्रेड्स को कहा डोबरनियर ट्रेड। हाँ, हर्षिता, अनामिका, समझ में आया अचल कि नहीं आया? चलो, तो ये कहलाए डोबरनियर ट्रेड, डोबरनियर की तिकड़ी। बच्चों, तीन लोग चलते हैं ग्रुप में तो उसको तिकड़ी बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी चार लोगों का भी एक ग्रुप होता है, इसको क्या बोलेंगे? चौकड़ी। चौकड़ी, बिल्कुल सही है ना। तो डोबरनियर चौकड़ी नहीं होती है, डोबरनियर तिकड़ी होती है। चार लोग का ग्रुप चौकड़ी होता है ना, दो लोग का ग्रुप दुकड़ी है ना, या पेयर, ठीक है ना। चलो पढ़ो अक्षर। इन 1829 30 प्लस एलिमेंट्स वर नोन। डोबरनियर, अ जर्मन साइंटिस्ट, मेड सम ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ईच आर कॉल्ड देम ट्रायड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ट्रायड इज नियरली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। एलिमेंट इन ट्रायड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। हाँ, तो डोबरनियर ने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को बिठाला ग्रुप में, और उन्होंने कहा कि इनके सिमिलर प्रॉपर्टी मिलने का रहस्य ये है कि इन दोनों के मास का आधा वाला बीच में बैठा होगा। तो भैया 30 एलिमेंट हो चुके थे, इस लिहाजा आपको कितने क्लासिफिकेशन करने थे? 10। मगर डोबरनियर केवल ऐसे तीन ही ट्रेड बना पाए, तीन से ज्यादा ट्रेड नहीं बना पाए, इसलिए उनका लॉ फेल हो गया। देखिए इनका ट्रेड नंबर 1 क्या था? इनका ट्रेड नंबर 1 था लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। लिथियम का मास 7 था, पोटेशियम का मास 39 था, और सोडियम का मास 32 था, जो वास्तव में लिथियम और पोटेशियम का एवरेज था। तो ये तो ट्रेड सफलता के डंके बजा दिया, बात सही थी। और ये बात भी थी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, ये ट्रेड बिल्कुल वास्तविक था। चलिए पढ़िए। इट इज फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिथियम एंड द थर्ड एलिमेंट पोटेशियम, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम वर मीन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। बिल्कुल सही बात है कि इसका जो एटॉमिक मास था वो उसका एवरेज था, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम वर मीन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम। इसको मीन से बढ़िया है कि आप आइडेंटिकल कह लें या सिमिलर कह ले तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। चलिए दूसरा ट्रेड बनाया। देखिए इन्होंने दूसरा ट्रेड बनाया, इन्होंने ट्रेड नंबर 2 इन्होंने बनाया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। और देखिए कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम का एवरेज निकालेंगे आप तो 40 और 137, तो 137 और 40 कर दीजिए तो कितना आ गया? 7, 4 और 3, 7 और 1 का डिवाइड बाई 2 कर दो बच्चों, तो 177 डिवाइड बाई 2 करिए तो 2 8 16 1 आया, और यहाँ पे 7, 2 8 16 1 आया है ना, और फिर 1 88.5। मोगेम्बो खुश हुआ। देखिए बच्चों 88.5 आ रहा है, तो ये नियरली इसका मास आसपास ही है। तो इन्होंने कहा
कि एग्जैक्ट ना मिले तो नियरली एवरेज मिल जाए, तो ज्यादा लड़ाई नहीं है, पास में मिल गया तो दूसरा पेयर इन्होंने ये बनाया। पढ़ो भाई, मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बैरियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। चलिए ये देखिए इसका कितना आ रहा है, 88.5, बिल्कुल सही निकाला। और एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, 87.5। ये है ट्रेड नंबर टू। अब देखिए ट्रेड नंबर थ्री, पढ़िए बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ट्रेड नंबर थ्री पे पहुंच गए और इसमें इन लोगों ने क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकाला, कितना आ गया, 81.5। और एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ब्रोमीन का कितना निकला, 80। बोलो सपोर्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, वो कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। तो ये तीन ट्रेड थे, इसके बाद बच गई पुंगी, फेल हो गए डोवर नियर, है ना, इसके बाद वो गायब हो गए रातों रात, ठीक ना। और तो डोवर नियर ट्रेड में अगले ग्रुप जो थे, जो उन्होंने फर्जी भर दिए थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब वो ट्रेड थे ही नहीं, समझ गए। लिमिटेशन पढ़िए, limitations Dovernier's idea of classification of element into triads did not receive wide acceptance as he could arrange only 9 elements in triad form. समझ गए, तो यहां पे Dovernier गए। Dovernier के बाद आते हैं Newland, है ना, Newland law of octave। तो Newland के समय में भैया तब तक 56 element खोजे जा चुके थे, समझ गए ना। और Newland ने octave का रूल दिया, octave को हिंदी बोलते हैं बच्चों सरगम, क्या बोलते हैं, सरगम, यस सर, ठीक है, हाँ। क्या नाम है, अनामिका, आ रहा समझ में, यस सर। तो बच्चों आप सरगम के सात सुर जानते हो, सा रे ग म प ध नी, देखिए ये हैं सरगम के सात सुर, ठीक ना। सरगम के ऑक्टा मतलब तो एट होता है ना, बताता हूँ भाई, सरगम ऑक्टेव का मतलब समझना, 1 2 3 4 5 6 7 सारे गामा पाधा नीसा बोलते हैं। तो ये जो आठवां सुर है वो पहले सुर का रिपीटेशन होता है, होता है कि नहीं होता बताओ, होता है सर, फिर से इसके बाद सारे सारे गामा, मतलब हर आठवें नंबर का सुर, ऑक्टेव मतलब आठवें नंबर का सुर जो होगा, मतलब हर आठवां एलिमेंट अपने आठ पीछे एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी रखेगा, हर अगला आठवां एलिमेंट अपने आठ पीछे, मतलब रे के नीचे फिर रे ही आएगा। तो यहां से भी काउंट कर लो, पीछे होंगे सात एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हुआ आठवां, मतलब हर आठवां एलिमेंट अपने पिछले सात वाले एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी का होगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि ऑक्टेव रूल लगता है, समझ में आया, देखिए इन्होंने जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 देखो बेटा, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए लिथियम है, बोलो हाँ, अनामिका आपसे पूछ रहा हूं, अनामिका लिथियम का नाम दे दो सुर का, सा, बोलो हाँ, यस सर, सा रे ग म प ध नी, और इसके बाद फिर से क्या आ गया, सा आ गया कि नहीं आया, यस सर, मतलब सरगम के जैसे, जैसे सरगम में आठवां सुर रिपीट होता है, ऐसे ही उन्होंने कहा ऑक्टेव में कि मैं जो टेबल बना रहा हूं उसका हर आठवां एलिमेंट उसके पिछले वाले आठ एलिमेंट से क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। मतलब लिथियम किसके जैसा बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा, सोडियम जैसा, सोडियम जैसा, बेरिलियम किसके जैसा बिहेव करेगा, मैग्नीशियम जैसा, बोरॉन किसके जैसा, एल्यूमिनियम, कार्बन किसके जैसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन किसके जैसा, फास्फोरस, ऑक्सीजन किसके जैसा, सल्फर, और फ्लोरीन किसके जैसा, क्लोरीन के जैसा। बट मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो टेबल था इन्होंने 56 एलिमेंट में दिया था, अब इस एलिमेंट में इस क्लासिफिकेशन को देते समय इन्होंने दो तीन बड़े धमाकेदार झूठ बोले थे। पहला झूठ इन्होंने बोला, पहला झूठ तो बहुत ही मस्त था इनका, इन्होंने कहा आज मेरे इस क्लासिफिकेशन के बाद पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन की दुकान को बंद किया जाता है, मतलब आज के बाद कोई एलिमेंट भी खोजा नहीं जाएगा, केमिस्ट्री यहीं पर रोक दी जाएगी, केमिस्ट्री यहीं पर रुक जाएगी। मगर जिस समय वो ये प्रवचन दे रहे थे उसी समय एक नया एलिमेंट खोज लिया गया। समझ में आया, जिस समय वो ये बातें कह रहे थे उसी समय एक एलिमेंट खोज लिया गया था, क्योंकि उस समय केमिस्ट्री में ज्यादा एलिमेंट नहीं खोजे जा चुके थे, तो हर साल लगभग हर साल लगभग 2-3 एलिमेंट खोजे ही जा रहे थे उस समय तो, है ना। हाँ, कई बार तो 10-10 एलिमेंट एक एक साल में आ रहे थे, इतना ज्यादा तरक्की में थी केमिस्ट्री। तो इन्होंने पहला रूल ये दे दिया कि 56 एलिमेंट के बाद केमिस्ट्री की दुकान बंद की जाती है ना, शटर गिराओ, ठेला उठाओ, चलो घर। मगर ये गलत हो गया, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, इनका क्लासिफिकेशन महाफर्जी था, है ना, ये जनता को बुद्धू समझते थे। इनका जो क्लासिफिकेशन था केवल थोड़ी आगे बैठा हुआ था बच्चों कैल्शियम, क्या बैठा था, कैल्शियम, केवल इनका क्लासिफिकेशन कैल्शियम तक बिल्कुल सही था, मतलब प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। उसके आगे इनका क्लासिफिकेशन टोटली फर्जी था, बिल्कुल ही फर्जी था, तो इन्होंने झूठ मूठ का क्लासिफिकेशन दे दिया। आ गया समझ में? यस सर। हाँ बोलो भाई, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। चलिए पढ़ो भाई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ो भाई, आंचल आप पढ़ो, न्यूलैंड इन इंग्लिश केमिस्ट। Newland, an English chemist in 1866, gave a law of active. Till then, 56 elements were known. Law of active says that if elements are... Achala, आवाज बहुत कम आ रही है, तेज बोलो. Law of octave says that... Law of octave says that if elements are arranged by the increasing order of their atomic mass property of every 8th element starting from its first element repeats. हाँ, जैसे आठवां सुर रिपीट करता है, हर आठवां सुर रिपीट करता है, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट से शुरुआत करोगे तो हर आठवां एलिमेंट भी रिपीट करेगा। बच्चों एक लाइन में आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो याद आता है एग्जाम में कि न्यूलैंड ने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो आंसर है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे उन्होंने अरेंज किया था। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो बेटा, इट कंटेन्ड द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड्स इन थोर एंड एंड्स इन थोरियम। तो इन्होंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से और खत्म की थी सीरीज थोरियम पे। नेक्स्ट पढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फॉलो ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। चलिए, तो ये हो गया, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अच्छी बातें, विशेषताएं, अच्छी अच्छी बातें। अब पढ़ते हैं इनकी फेलियर कह लो, लिमिटेशन कह लो, ड्रॉबैक कह लो। बच्चों एक ही चीज है, अगर फेलियर आए तो भी यही लिखोगे, ड्रॉबैक आए तो भी यही लिखोगे, लिमिटेशन आए तो भी यही लिखोगे, तीनों एक ही बात है, चाहे फेलियर, चाहे ड्रॉबैक, चाहे लिमिटेशन। पढ़िए आंचल, लिमिटेशन। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन अप टू कैल्शियम ओनली। ये देखो पहला झूठ, कैल्शियम तक ही ये टेबल में देखी गई थी सिमिलैरिटी, उसके बाद कोई एलिमेंट सपोर्ट में नहीं था। नेक्स्ट, ओनली 56 एलिमेंट्स नोन दैट टाइम वर टॉक्ड अबाउट एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड एवरी ईयर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड वर नॉट बी कंसीडर्ड। हां, इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, कह दिया बाहर कर दो इनको केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो। एट मेनी प्लेसेस टू एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल शॉट इन अ सिंगल स्लॉट। एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल। हाँ, कुछ कुछ ग्रुप में इन्होंने कोबाल्ट और निकल को भर लिया, लियो साथ में भर लिया। अब क्या बात कर रहे थे आप बात कर रहे थे कि भैया हम इस टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे जमा रहे हैं, और अपने ही टेबल पे दो लोगों को एक साथ कर लिया, वाह बहुत बढ़िया, मतलब आप इनको बढ़ा रहे हो इंक्रीजिंग मास पे, और ये कैसा मास कंट्रोल की दो लोगों को एक साथ कर लिया आपने, है ना। तो एट मेनी प्लेसेस टू एलिमेंट वर प्लेस इन अ सिंगल स्लॉट, तो ये गलत था। समझ गए बच्चों? यस सर। हाँ, और एक चीज और बताऊं, इनकी पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, देखिए कोबाल्ट और निकल को तो एक साथ रखा है, मगर कोबाल्ट और निकल का जो सबसे बढ़िया साथी है जिसका नाम है आयरन, आयरन को इन्होंने उससे बहुत दूर बिठाला है। पढ़ो भाई प्लेसिंग।
placing of iron far away from cobalt and nickel, which have similar properties as iron, could also not be explained. हाँ, तो भैया आयरन को बहुत दूर रख दिया, मतलब प्रॉपर्टी इसकी मैच कर रही है आयरन की इनके साथ, और आपने बिठा दिया इसको उनके साथ जिनके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, तो ये भी गलत बात थी, आप टेबल में देख सकते हैं। अक्षत पढ़िए लाइन फिर से, प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे, placing of iron far away from cobalt and nickel which have similar properties as iron could also be explained, could also not could, be explained. हाँ, तो इसको explain भी नहीं करा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, आप तो कह रहे थे कि same property वालों को same में रखेंगे, अलग अलग property वालों को अलग अलग रखेंगे, but आपने iron को भेज दिया दूसरे के घर में, ऐसा क्यों? चलिए, तो ये classification फिर fail हो जाता है क्योंकि इन्होंने कह दिया था 54 element के बाद दुकान बंद है ना। Yes, तो यहाँ पे 56 सॉरी एलिमेंट के बाद दुकान बंद। तो अब आते हैं भैया अगले साइंटिस्ट, बहुत ही महानतम साइंटिस्ट हैं, हालांकि इनका क्लासिफिकेशन सफल नहीं हुआ, मगर इनके क्लासिफिकेशन की वजह से ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो आया वो इन्हीं की मतलब इन्हीं की मेहनत को ही आगे चल के सही क्लासिफिकेशन बनाया गया, इसलिए मेंडलीव बड़े सम्मान से जाने जाते हैं, रशियन साइंटिस्ट, रशियन केमिस्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या थी, तो मैं बता दूं आपको, मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट मेंडलीव के काम छोड़ते छोड़ते तक पता चल गए थे, तो मेंडलीव ने 63 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया था, कैसा क्लासिफिकेशन दिया था, ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बच्चों याद रखना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, और इनका जो पीरियोडिक रूल था वो लिखने को आता है, मेंडलीव का पीरियोडिक रूल लिख लीजिए अपनी कॉपी में बच्चों, ये एक लाइन आपको एग्जाम में लिखने को आएगी, मेंडलीव का पीरियोडिक रूल क्या था लिख लो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब जो रिपीटेशन होता है वो मास नंबर के आधार पे होता है, समझ गए ना, मतलब जो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है वो मास के आधार पे होती है, समझ में आया बच्चों, यस और नो बोलो। जो स्टेटमेंट आपने बोला उसको एक्सप्लेन कर दो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि जो अपने टेबल बनाने हैं वो इंक्रीजिंग मास के आधार पे बनाने हैं, और जो इनके रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टी में, मतलब इसके नीचे ये आएगा फिर इसके नीचे ये आएगा, वो केवल किसकी वजह से आएगा, वो मास के पैटर्न की वजह से ही आएगा। यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, मास का पैटर्न माने से वही ना 8, 18, 18, 32 वाला, अभी वो समझा दूंगा, वो मास का पैटर्न उन्होंने क्या कह रहा था, केमिस्ट्री के कुछ लॉस से निकाला था, समझ गए ना, उसके बारे में हम लोग को डिटेल बात नहीं करनी है, बट जो आप बोल रहे हो ना 2, 8, 18, 18, समझ गए ना, वो एक्चुअली वो मास का पैटर्न नहीं है, वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है, समझ गए ना। ओके, हाँ वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना जो आप बोल रहे हो, बोलो यस और नो। जॉन मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं, मेंडलीव उससे पहले आए थे, समझ गए? पढ़ो भाई, दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट, इन 1869 गिव मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Till then, 63 elements were known. Mendeleev arranged elements in increasing order of their atomic masses. Yes, ये है main funda. Arrange किया in increasing order of their atomic mass, और इसी बात का बारंबार support किया. ये बार-बार इसको जय करेंगे. आगे पढ़ो. He tried to put elements with similar properties in a group. Due to this, we find empty boxes in his table. चलो, तो उन्होंने क्या किया बच्चों? ये इन्होंने उन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स छांटने शुरू करे कि भैया चलो सेम प्रॉपर्टी वाले ग्रुप छांटे जाएंगे। तो देखो उन्होंने क्या किया, वो एक बड़े से कमरे में बैठ गए थे, और उनके पास मान लो 63 एलिमेंट थे अलग अलग, उनके पास लैब में 63 एलिमेंट थे। हाँ,
63 एलिमेंट थे, उन्होंने हर एलिमेंट की, मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, उन्होंने हर एलिमेंट की रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। उन्होंने हर एलिमेंट की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो मान लो तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तीनों एलिमेंट की, तो क्या बना, ऑक्साइड। क्या बना बेटा, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड मान लो एक्स का बन गया एक्स ओ, वाई का बन गया वाई ओ और जेड का बन गया जेड ओ, मतलब तीनों के ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो इसलिए उन्होंने एक्स वाई जेड को कहा भैया सेम ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि तुम तीनों ऑक्साइड जो है एक जैसे फॉर्मूले के बना रहे हो। अच्छा, इन्होंने ऐसा ही नहीं किया, इन्होंने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड भी बना के देखा। तो एक्स के साथ हाइड्राइड बना मान लो H2X, वाई के साथ बना क्या H2Y, और जेड के साथ क्या बना H2Z। तो इनको श्योर हो गया कि अरे ऑक्साइड भी एक ही टाइप के फॉर्मूले के बनते हैं और हाइड्राइड भी एक ही टाइप के फॉर्मूले के बनते हैं, तो ये लोग यकीनन एक ही प्रॉपर्टी वाले हैं। यस की नो? यस सर। अब अगले तीन एलिमेंट कोई पकड़े मान लो यू वी डब्ल्यू, अब इनको ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ भिड़ाया, तो जो फॉर्मूले बन लो मान लो इस तरीके से बन गए U2O, V2O, Z2O। तो बताओ इस, ये जो एलिमेंट है ये इन्हीं के साथ में आएंगे कि अलग से आएंगे? अलग से आएंगे। अलग से आएंगे, क्योंकि ये डाइएटॉमिक ऑक्साइड बना रहे हैं, वो लोग मोनो एटॉमिक ऑक्साइड बना रहे थे, तो जैसे इनके फॉर्मूले हुए इन्होंने एक ग्रुप में रखते गए। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। तो इन्होंने क्या किया, पूरे कमरे में चिट लगा दी थी पूरे कमरे में, और ऐसे चिट को सबके सबके ऑक्साइड लिख दिए, सबके हाइड्राइड लिख दिए, लास्ट में उन चिट को जिनके जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड एक जैसे थे उनके चिट को एक नाम के आधार पर जमाते गए, फिर उनके मास पर जो सबसे कम मास था उसको ऊपर कर दिया, जो बीच वाला मास था बीच में रख दिया, जो सबसे ज्यादा मास था उसको नीचे कर दिया, तो बन गई टेबल। समझ में आया कैसे बनी टेबल इनकी? यस सर। चलिए, तो इनके जो बेसिस थे वो थे बॉक्स के आधार पर, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑक्साइड में इन्होंने हर एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। अब देखिए ऑक्साइड, देखिए लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड Na2O। तो देखिए ये एलिमेंट किस फॉर्म को रिजेंबल कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। सॉरी R2O, ऑक्सीजन R2O, यस और नो? R2O। तो ये भर दिया है। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड CaO ZnO किस फॉर्म में कर रहे हैं, RO, बोलो यस। यस सर। यस सर। तो इनको सबको भर दिया एक ग्रुप में, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक एक ही ग्रुप के हैं। अब देखिए R2O3 वाले जो बने, एल्यूमिनियम बन गया, बोरॉन बन गया, इनको सबको एक ग्रुप में रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के हैं, बोलो यस। यस सर। बाद में देखा अरे बोरॉन का मास तो कम है, तो बोरॉन को ऊपर ले आए और एल्यूमिनियम को नीचे ले आए, बोलो यस। यस सर। तो पहला इनका जो तरीका था उन्होंने जांच किया किसका, ऑक्साइड का। दूसरा तरीका था इन्होंने हाइड्राइड बनाया, सबके सब एलिमेंट को लड़वाया हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्राइड कंपाउंड होते हैं क्या, जो एलिमेंट के हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। ये देखो, तो पहले ग्रुप क्या बने, फॉर्मूला क्या था, RH, एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा RH2, RH3, RH4। तो देखिए RH मतलब LiH, NaH, KH, ये एक ग्रुप वाले बन गए तो सबको एक ग्रुप में ला दिया। ये देखो सर, डबल वैलेंसी वाले बन गए तो इनको सेकेंड ग्रुप में, ये तीसरी वैलेंसी वाला अलग ग्रुप में आएगा, ये चार वैलेंसी वाला अलग ग्रुप में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, तो ये देखिए ये बनाई मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने ग्रुप में, देखो बच्चों ये होते हैं अपने पास पीरियड्स, ये अपने पास पीरियड हुआ करते हैं, कितने पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 पीरियड हैं, और कितने ग्रुप हैं बच्चों, गिन लो ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी वो 6x8 की बनाई थी, मतलब 6 थे पीरियड और 8 थे ग्रुप। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो और ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम। अब देखो इन्होंने क्या किया था, देखिए ग्रुप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, ये ग्रुप था, इसमें इन्होंने दो कॉलम बनाए थे, एक ए और बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, समझ गए, और एक इन्होंने ट्रांजिशन सीरीज दे दी थी, ट्रांजिशन सीरीज दे दी थी, एक ट्रांजिशन सीरीज भी थी। अब देखिए ग्रुप में फर्स्ट में ये देखो, सबके जो आपके हाइड्रोजन जो बन रहे हैं सबके हाइड्राइड के फॉर्मूले हैं RH और ऑक्साइड के फॉर्मूले R2O, सबको भर दिया एक ग्रुप में, ये देख लो। यस सर।
भर दिया? यस सर। हाँ सबको भर दिया। अब आप कहोगे सर इसको इधर क्यों लिख दिया अलग से, क्योंकि बेटा जो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा था उसका भी फॉर्मूला था Cu2O, तो देखो सपोर्ट कर रहा ना R2O को कि नहीं कर रहा, बोलो कर रहा है। और पोटेशियम का ऑक्साइड जो बन रहा है वो भी था K2O, ये भी सपोर्ट कर रहा ना। मगर दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, K2O की और इसकी दोनों की, तो इसको इसके जस्ट नीचे ना लिख करके थोड़ा अलग लिख दिया। मगर Na2O की और K2O की प्रॉपर्टी एक साथ थी तो इसको साथ में लिख दिया। अब आया समझ में अलग लिखने का मतलब? यस सर आ गया समझ में। हाँ मतलब ऑक्साइड का टाइप एक ही है मगर प्रॉपर्टी अलग अलग है, फॉर्मूला एक ही है बट प्रॉपर्टी अलग अलग है, समझ में आया? यस सर, यस सर बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलो सेम टू सेम यही कार्यक्रम किया इन्होंने, है ना, सेम टू सेम यही कार्यक्रम किया। अब इनकी सबसे बढ़िया जो होशियारी थी वो क्या थी, देखो खाली जगह दिख गई, हाँ सर नीचे भी खाली जगह दिख गई, यस सर यहाँ भी खाली जगह दिख गई, यस सर। देखिए इन्होंने एलिमेंट के लिए जगह खाली छोड़ दी थी और बड़ी शानदार भविष्यवाणी कर दी थी, है ना, कि मेरे मरने के बाद यहाँ पे एलिमेंट खोजे जाएंगे, मतलब ये 40 है और 40 के बाद 47 है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एलिमेंट खोजा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी बोरॉन और एल्यूमिनियम के जैसे होगी। तो जब वो निपट गए तो उसके बाद में खोजा गया था गैलियम, क्या खोजा गया था, गैलियम, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करती थी। आया समझ में? यस सर। चलिए तो अब पढ़ते हैं इनकी मेरिट्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ो बेटा। द हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड ग्रुप्स, देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स इन मेंडलीज टेबल, 1 टू 8 टू टोटल 6 पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं, 8। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो रेगुलर डिग्रेडेशन, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। ग्रुप 1 टू 7 आर सब डिवाइडेड इनटू ए बी ए एंड बी सब ग्रुप्स, ग्रुप्स 8 डोंट हैव एनी सब ग्रुप। हां ये देखो जो ग्रुप 8 है, ये जो ग्रुप 8 है इसमें कोई ए बी नहीं किया है, इसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, समझ गए ना? क्यों सर? मतलब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट नहीं मिले, ऐसा कोई नहीं मिला कि इसका भी ऑक्साइड सेम नंबर का हो सेम नंबर का हो, इसमें जो मिले थे वो सबके सब नियरली सेम प्रॉपर्टी वाले थे। अच्छा और सर ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन सीरीज का मतलब जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज, मतलब इन सबका व्यवहार आपस में मिला जुला रहता है, समझ गए ना? हाँ सर, दोनों घुले मिले होते हैं सबके सब। अब वो लंबी बात है, बाद में करेंगे, पढ़ो। ऑल द एलिमेंट्स, All the elements in a particular group have similar properties. They show regular gradation in their physical properties and chemical reactivities. जी हाँ, ये जो ग्रुप में एलिमेंट बैठे हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, कॉलम इनकी मत ले लेना कि इसकी इसके साथ, नहीं ग्रुप, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना इनकी प्रॉपर्टी सेम है, समझ में आया बच्चों? यस सर। ये जो ग्रुप में बैठे हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है। चलिए हाँ अब लिमिटेशन पढ़ेंगे कल से, ये इनकी थी अच्छी बातें, मेंडलीव की पीरियड टेबल की अच्छी बातें थी अपने पास, ठीक ना। अब पढ़ेंगे कल हम लोग इसकी बुरी बातें, लिमिटेशन पढ़ेंगे और हैं और एनामलस पेयर और बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरिट्स हैं कि पीरियड टेबल की मेरिट्स क्या है। चलिए मेरिट्स पढ़ लो बेटा एक बार तो और अच्छा लगेगा, पढ़ दो। अर्लियर 63 एलिमेंट्स वर नोन, ये बहुत खतरनाक चीज थी, इन्होंने नए एलिमेंट का प्रेडिक्शन करके गए थे, इवन उनके लिए खाली जगह, उनकी खाली जगह, उनका उनका मास नंबर तक बता के गए थे और बच्चा कैसा होगा उसका भविष्य तक बता के गए थे कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी क्या होगी। आगे पढ़ो, मेंडलीव, Mendeleev's periodic table had some blank spaces in it. These vacant spaces were for elements that were yet to be discovered. Yes. Example. For example, he proposed the existence of some unknown elements, eka boron. हाँ, उन्होंने बोरान के बाद एक खाली जगह छोड़ी थी बाद में जिसका नाम पड़ा स्कैंडियम। क्या पड़ा? स्कैंडियम। स्कैंडियम। उन्होंने एल्यूमिनियम के ग्रुप में एक खाली जगह छोड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, बाद में उसका नाम पड़ा गैलियम। क्या पड़ा नाम? हाँ, उन्होंने सिलिकॉन के नीचे खाली जगह छोड़ी थी, देखो सिलिकॉन कहाँ बैठा ये, हाँ सर, तो सिलिकॉन के बाद इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी जिसका नाम पड़ा भैया क्या, जर्मेनियम। क्या पड़ा? जर्मेनियम। ये देखो यहाँ पे खाली जगह पड़ी थी इसमें जर्मेनियम आया था, समझ गए? इस ग्रुप में जो खाली जगह पड़ी थी इसका नाम आया था जर्मेनियम, है ना। तो बच्चों लैटिन में नाम होता है एका,
एका मतलब आगे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने नाम दिया था सॉरी रशियन में, लैटिन भूल गया, तो रशियन में उन्होंने कह दिया था बोरॉन के आगे कोई खोज जाएगा तो खाली डिब्बे में जो आने वाला था उसका भविष्य कर दिया था, नाम होगा एका बोरॉन। एका बोरॉन, एका मतलब बोरौन। एका मतलब आगे, एका मतलब आगे, आगे मतलब बोरॉन के आगे कोई आएगा उसका नाम होगा एका बोरॉन। बाद में पड़ा उसका नाम स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम पड़ा, और जो सिलिकॉन के आगे आया उसका नाम पड़ा जर्मेनियम। पढ़ो स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम। Scandium, gallium and germanium were discovered later and their properties matched very closely with the predicted properties of eca boron, eca aluminium and eca silicon respectively. हाँ, तो ये जो नाम रख के गए थे कि eca boron ऐसा होगा और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, तो इसकी scandium के साथ, eca aluminium की gallium के साथ और eca silicon की germanium के साथ प्रॉपर्टी एकदम मैच हो गई थी। तो ये थी बच्चों मेरिट्स, ये थी अच्छी बातें, ये थी मेरिट्स मेंडलीव की। कल हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव से क्या गलती हुई, मेंडलीव कहां पर फेल हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर।